हेलो, आज का हमारा न्यू टॉपिक है मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे 12th क्लास के लिए भी और आगे क्लासों के लिए भी, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, चाहे आप 12th में पढ़िए या आगे ग्रेजुएशन में भी पढ़िए। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इसके मीनिंग से, बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है और एक किस तरह से हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, और इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या इम्पोर्टेंट्स हैं, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। तो आइए एक बार देख लीजिए बोर्ड को, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब यहाँ से बात करते हैं मीनिंग पर। द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इसकी बात करें, ऑल इंडिविजुअल्स, ऑल इंस्टीट्यूट्स, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑल इंस्टीट्यूट्स एंड अदर फोर्सेस, इसके अलावा भी जो बाकी के जो फोर्सेस हैं, बहुत सारे फोर्सेस हैं जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, दैट आर आउटसाइड ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइजेस। ये सारे चीज़ें, यानी कि नॉट अ इंटरनल इन्वायरमेंट, इट्स टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आउटसाइड द बिजनेस इन्वायरमेंट, बट दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। लेकिन ये सारी चीज़ें भले बाहर की हैं, आउटसाइड हैं, लेकिन हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को, हमारे बिजनेस गोल को अफेक्ट कर सकती हैं, करती हैं, कर सकती नहीं है, करती हैं। तो आज इसी बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग, हमारा जो मैनेजमेंट टीम है वो बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालिसिस करता है और उसके अकॉर्डिंग प्लान्स एंड पॉलिसी फॉर्म करता है। तो हम अगर डायरेक्टली बोलें तो ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच अफेक्ट द बिजनेस गोल, दैट्स कॉल्ड द बिजनेस इन्वायरमेंट। ऑल एक्सटर्नल, चाहे इंडिविजुअल्स हो, इंस्टीट्यूट्स हो, या अदर फैक्टर्स, जो भी हो फैक्टर्स, वो कोई भी फैक्टर्स हो जो हमारे बिजनेस के गोल को, हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में रुकावट डालता हो, वो होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके फीचर्स और इसके इम्पोर्टेंस। तो आइए देखते हैं इसके कुछ फीचर्स हैं। तो सबसे पहला है टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। मैंने बात किया कि अगर आपके पास इंटरनली कोई भी इन्वायरमेंट है तो यू मे बी सॉल्व्ड इट ना, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी फोर्सेस हैं, तो अगर वो बिजनेस के गोल को अचीव करने में रुकावटें डाल रही हैं, तो आप उसको, यू आर एलिजिबल, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बट जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, जो हमारे बस की बात नहीं है कि हम उसको पूरी तरह से रिमूव कर सकें। हाँ, उसके अकॉर्डिंग, उसको एनालिसिस करके हम उसके रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते, टोटली उसको हटा नहीं सकते, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला इसके जो फीचर्स है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। आगे देखते हैं, सेकेंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बात करेंगे स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। दो तरह के फोर्सेस होते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, हमारे गोल को अचीव करने में रुकावटें डालते हैं, वो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक होता क्या है, स्पेसिफिक यानी कि अगर वो है तो किसी एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल बिजनेस को अफेक्ट करेगा, पूरे फॉर्म, पूरे मार्केट के जो बिजनेस है उसको अफेक्ट नहीं करेगा। बट जो जनरल फोर्सेस है वो क्या करेगा, पूरे मार्केट में जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी कंपनी है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबको अफेक्ट करेगा। तो बात करते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी का क्रिएटर है, इन्वेस्टर है, कंज्यूमर है,
वो सारी चीज़ें, उसका इम्प्लॉई है, वो सब क्या होता है कि वो स्पेसिफिक फोर्सेस में आते हैं। अगर इनको कोई दिक्कत होती है तो एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल बिजनेस इफेक्ट में आएगा, ना कि पूरा होल मार्केट। बट अगर जनरल फोर्सेस में, जैसे कि मान लो सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें अगर चेंज होती हैं तो हमारा पूरा मार्केट, पूरा इकोनॉमी का इन्वायरमेंट क्या होगा, चेंज होगा। तो दो तरह के हमारे फोर्सेस होते हैं स्पेसिफिक, जो किसी इंडिविजुअल फर्म के परफॉर्मेंस को, ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, बदलते हैं, चेंज करते हैं, रुकावटें डालते हैं, अफेक्ट करते हैं। और जो जनरल फोर्सेस हैं, पूरे इकोनॉमी को, पूरे होल मार्केट को अफेक्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड द जनरल फोर्सेस। ये दोनों आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस के बारे में डिटेल्स में। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस। देखो इंटर रिलेटेडनेस का मतलब होता है कि एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा हेल्थ कॉन्शियस अगर हम बनते जा रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस हमारे कंट्री के अंदर बनती जा रही है, तो जितने भी ऑर्गेनिक फूड्स हैं उनका डिमांड क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। अगर हम फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं तो हमारे जो फिटनेस से रिलेटेड जितने भी हमारे कमोडिटी होंगे उनके डिमांड क्या होंगे, अपने आप बढ़ेंगे। यानी एक दूसरे से क्या होता है, इंटर रिलेटेडनेस होता है। अगर हम जागरूक होंगे, योग को अपना रहे हैं, तो सारी चीज़ें, अगर हम लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं तो जितने भी हेल्दी चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें होंगी, उनकी डिमांड क्या होगा, अपने आप बढ़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि एक कभी भी चेंज हो सकता है, अनसर्टेन होता है। यानी अभी क्या है और अभी कुछ और हो जाएगा, अभी मौसम खुला है, अभी बारिश हो सकती है, अनसर्टेन इन्वायरमेंट है। अभी कंज्यूमर का मूड अच्छा है, तुम्हारे सामान को परचेज कर रहा है, कब कंज्यूमर का मूड सटक जाए और तुम्हारा सामान खरीदना क्या कर दे, बंद कर दे, तो ये टोटली अनसर्टेन होता है। इट्स कैन बी चेंज एनी टाइम, ये क्या हो सकता है, किसी भी समय बदल सकता है, अनसर्टेन होता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हमने शायद इसको छोड़ दिया था, डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक का मतलब जानते हो ना, फ्लैक्चुएट करता रहता है, बदलता रहता है। तो डायनेमिक इन नेचर होता है, नॉट स्टैटिक नेचर होता है। तो ये बदलने वाला नेचर होता है, ये क्या होता है कि हर टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स द वेरी हार्ड टू एनालिसिस द बिजनेस इन्वायरमेंट। इसको एनालिसिस करना बहुत ही मुश्किल काम है, दैट्स वेरी हार्ड। कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या करना, एनालिसिस करना। तो क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में एनालिसिस करते हो कि आगे क्या होने वाला है, कंज्यूमर का मूड क्या है, इन्वेस्टर्स का मूड क्या है और मार्केट का मूड कैसा होने वाला है इन फ्यूचर में, ये एनालिसिस करना ना थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। सोचो कितना मुश्किल काम हमारे जो मैनेजमेंट टीम है वो करती है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, प्लान्स एंड पॉलिसी हमारे कंपनी के लिए बनाती है और रिस्क को मिनिमाइज करती है। तो जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसमें, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है उसको एनालिसिस करना, उसको एज्यूम करना, उसके बारे में जानना। नेक्स्ट रिलेटिविटी। रिलेटिविटी ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हमारा है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब होता है इट्स डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। यानी इंडिया और अमेरिका दोनों का इन्वायरमेंट अलग हो सकता है, यहाँ के पॉलिटिकल कंडीशंस और अमेरिका के पॉलिटिकल कंडीशंस दोनों अलग हो सकते हैं। रीजन टू रीजन आप देखिए, साउथ का और नॉर्थ का दोनों की जो हमारे इन्वायरमेंट है वो अलग हो सकते हैं हमारे, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपको खाने को क्या मिलेगा जानते हैं ना, तो इडली डोसा यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारे नॉर्थ में, साउथ में इडली डोसा खाएंगे आप, नॉर्थ में कुछ और खाएंगे, यहाँ गुजरात में चले गए कुछ और खाए, राजस्थान में चले कुछ और खाए। यानी इट्स चेंज रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, ये हो क्या होता है, रिलेटिविटी होती है। तो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग रीजन्स, अलग अलग कंट्री, अलग अलग बस देश में, कंट्री को हिंदी में बोल सकते हैं, देश में,
और क्या है, कुछ है नहीं है ना। तो ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? और नहीं आया ना तो एक काम करना भाई, आप लोग एक कमेंट कर देना जो समझ में नहीं है। वैसे मुझे नहीं लगता कि समझ में नहीं आएगा भाई, इतना अच्छे से हिंदी में बता रहा हूँ ना, मुझे इंग्लिश आती नहीं अच्छे से, तो हिंदी में बता रहा हूँ, सोचना मत इंग्लिश नहीं आती, आती है, पर हम भारतीय हैं तो मिक्सअप चलेगा हम लोग का ना। वैसे आप लोग जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे, जी नहीं जैसे मैं बोलूँगा वैसे आप लोग करेंगे। देखिए इसको और पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो भाई आपकी मर्जी है, बाप भाई हैं पैसा खर्च करने के लिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। बहुत बढ़िया भैया, इम्पोर्टेंस आता है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस ना, तो इसको बहुत अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से सुन लेंगे ना आप, आधे काम तो आपका हो जाएगा, आधे नहीं 70% काम हो जाएंगे आपके। उसके बाद आप इजिली इसको एक चाहो तो नोट कर लोगे, नोट्स करके एक बार उस एक्सप्लेनेशन शॉर्ट नोट्स को किनारे, जब भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा, आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, लिखते चलिए और जो भी ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं उनको लिखते चलिए, तो आपके काम आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट, गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस में सबसे पहला हमारा गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। ध्यान दीजिए, जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट को सबसे पहले एनालिसिस करेगा उसको पहले चांस मिलेगा उस बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदलने के लिए। जैसे फिलिप्स ले लीजिए, ओनिडा, कितने सारे पुराने जो रेपुटेड कंपनियां थी आज क्या हो गई, गायब हो गई मार्केट से, बिकॉज उन्होंने मार्केट एनालिसिस किया ही नहीं, उन्होंने लोगों के कस्टमर्स के थिंकिंग्स, उनके नीड्स एंड वांट्स को समझा ही नहीं, और आज क्या है, गायब है मार्केट से। दूसरी कंपनियां क्या है, पूरी मार्केट में अपना क्या किया है, कब्जा कर रखा है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, जिस जो भी कंपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले बिजनेस एनालिसिस करेगी, बिजनेस इन्वायरमेंट का एनालिसिस करेगी, सबसे पहले वही चेंज होगा ना, मालूम चलेगा मुझे कल बारिश होने वाला है, जो सबसे पहले मालूम चलेगा भाई, पहले सबसे पहले वो क्या करेगा, बारिश से रिलेटेड जितने भी उसको चीज़ें लेनी होंगी वो क्या कर लेगा, ले लेगा, क्योंकि वो जानता है कल बारिश होने वाली है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, जो सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालिसिस करेगा, सबसे पहले चेंज होगा और मार्केट उसका होगा। ध्यान दीजिएगा, हर जगह अप्लाई हो सकता है, बिजनेस इन्वायरमेंट को कॉन्सेप्ट करिए और फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप लीजिए ना, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस आप लीजिए। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत, अरे भाई जीव है ना, तो वर्ड थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, बट आप लोग समझदार हैं। हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड सिग्नल वार्निंग। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं तो आपकी बिजनेस के लिए जितने भी प्रॉब्लम्स आने वाली है ना, जितने भी थ्रेड्स आने वाली है ना, उसको आप जान पाएंगे, जितने और उस आप वार्निंग सिग्नल्स को जान पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप अलर्ट हो जाएंगे और आपका जो रिस्क होगा ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर पहले से आपको वार्निंग सिग्नल मिल जाए कि भूकंप आने वाला है, भाई घर छोड़ के भागोगे ना खुले मैदान में, तो आपका रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। आग लग गई, भागोगे नहीं छोड़ के, आग लगने वाली है, लगी नहीं है, आग लगने वाली है, अगर पहले से मालूम चल जाए भैया सब कुछ लेके, जो इंपॉर्टेंट सामान लेके भागोगे ना, भागोगे तो आपके रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करता है, वार्निंग सिग्नल और थ्रेट्स के बारे में बताता है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाभ होने वाली है ना, अगर आप बिजनेस इन्वॉल्वमेंट कर लेते हो तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग जो होता है यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब जानते क्या होता है, जैसे मान लीजिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको बहुत सारे रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन के लिए, होती है ना, बहुत सारे रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन के लिए, लेकिन अगर वो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट को एनालिसिस करता है तो वो सारी चीज़ें जो फ्यूचर में शायद मार्केट से गायब होने वाली हों, शायद रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होने वाला हो, वो पहले से क्या करेगा, लेकर अपने वेयर हाउसिंग में स्टोर कर लेगा, जिससे इसके फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग में कोई दिक्कत ना आए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को अचानक मालूम चल गया कि 10 दिन बारिश होने वाली है तो आप क्या करोगे, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए अपने घर के लिए, वो सारी चीज़ें मार्केट से जाकर जल्दी से क्या करोगे, लेकर के आओगे और घर में रख दोगे, क्योंकि 10 दिन तक लगातार बारिश होने वाली है, तो मे बी पॉसिबल कि सारी चीज़ें मार्केट से शॉर्ट होने वाली हैं या दुकानें बंद रहेंगी, होगा ना ऐसा, ऐसा ही होता है। तो
आपको क्या होता है, अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालिसिस करते हो तो आपको अपने प्रोडक्शन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपको सारे रॉ मटेरियल्स आपके पास मिलेंगे, जितने भी नेसेसरी गुड्स चाहिए, नेसेसरी चीज़ें, नेसेसरी आपकी रिक्वायरमेंट जितनी भी होंगी अपने कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो सबसे पहले क्या करोगे, टैप करके ला करके अपने वेयर हाउसिंग में स्टोर कर लोगे, करोगे ना। बुद्धिमान पर्सन तो यही करेगा, बाकी आप जाने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हेल्प इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंजिंग। भैया जानते हैं हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत तेजी से बदलता है ना, बहुत तेजी से, दैट्स फास्ट चेंजेस आते हैं हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, और फास्ट चेंजेस को जो कॉपी करेगा ना वही आगे बढ़ेगा। तो कैसे कॉपी करेंगे आप उसको, कॉपी का मतलब समझ रहे हैं नहीं ना। देखिए कॉपी का मतलब क्या होता है, कॉपी का मतलब ये होता है कि बिजनेस में हमारे कंज्यूमर क्या चाहता है, दो कैमरा वाला फ़ोन चाहता है या पांच कैमरा वाला फ़ोन चाहता है, जो इस कॉन्सेप्ट को ना जल्दी से क्या करेगा, जानेगा, एज्यूम करेगा, एनालिसिस करेगा बिजनेस इन्वायरमेंट को, तभी तो जानेगा। तो जो सबसे पहले जानेगा उस तरह के क्या करेगा, फ़ोन मार्केट में लॉन्च करेगा और मार्केट पूरा उसका, ऐसा ही होता है, हर जगह होती है। चाहे किसी फील्ड का नॉलेज ले लो, किसी फील्ड की ऑर्गेनाइजेशन ले लो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, टीचिंग, हर चीज़ भाई, हर चीज़। जिसको पहले बिजनेस इन्वायरमेंट का मालूम चल गया कि फ्यूचर में सारी चीज़ें होने वाली हैं, वो पहले से क्या करेगा, कस्टमर के अकॉर्डिंग जितने भी रूल्स, जितने भी हमारे कमोडिटी हैं, वो स्ट्रेटजी करेगा, बनाएगा और मार्केट में लॉन्च करेगा, जिससे उसको डायरेक्टली नहीं बहुत ज़्यादा फायदा होने वाले हैं और मार्केट उसका है। नेक्स्ट, हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये तो भाई बहुत ईजी है, जानते ही आप लोग कि अगर हम पहले से, अगर हमें मालूम चल गया कि हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान्स एंड पॉलिसीज क्या कर सकते हैं, अपनी बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करने के लिए, अरे भैया अचीव करने के लिए। ठीक है, देखो तुम लोग ना अच्छे से पढ़ोगे ना अगर, तो भाई पढ़ाई में तो नहीं है दिक्कत आने वाली है, बिल्कुल नहीं दिक्कत आने वाली है एकदम। अब बिजनेस का मैं ना पूरा A to Z चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिर इकोनॉमिक्स का पूरा A to Z, फिर अकाउंट्स का A to Z, जैसा कहिए, पर 60 दिन के अंदर सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा। आइए देखते हैं, तो लगे रहिए और जुड़िए मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा, भाई इतना ही कहूँगा। नेक्स्ट देखिए, हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। आपको अगर पहले से सारी चीज़ें मालूम हैं तो आपकी परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव होगी ना भाई, आप उसके अकॉर्डिंग प्लान्स एंड पॉलिसी कर रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस तो इंक्रीज होने वाली है ना, आपकी मोरल बूस्ट होने वाला ना, कि मुझे पहले से मालूम है कि होने वाला है, तो आप क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग प्लान्स पॉलिसीज फॉर्म करोगे, रूल्स रेगुलेशंस बनाओगे, एम बनाओगे, टारगेट सेट करोगे, और आपका परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है, बिल्कुल अच्छा होने वाला है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, बिजनेस इन्वायरमेंट को समझिए, आइए ज्वाइन करिए और अच्छे नंबर लाइए ना, कोई दिक्कत है पता नहीं, आपको जो दिक्कत है दिक्कत रहने दीजिए, ये आपका आज का जो चैप्टर था का कुछ पार्ट, छोटा सा पार्ट है, ये ख़त्म हुआ, एक कहिए तो पार्ट वन है, पार्ट टू और थ्री, यानी कि तीन वीडियो के अंदर इस चैप्टर को मैं ख़त्म करूँगा। पहला जो वीडियो है बन चुका है, कल वीडियोस कुछ अपलोड हो जाएंगे, तो आप लगे रहिए और एक एक वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।